तो कैसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक जो TDA 2030 का बोर्ड होता है सब ऊपर का, उसके वायरिंग के बारे में बताने वाले हैं आपको। उसकी टोटल वायरिंग के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको कहाँ कहाँ पर आपको तार लगाने हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं, ये बोर्ड है 3 IC का बोर्ड होता है ये, ठीक है। इसमें डुअल सप्लाई होती है। तो ये देखिए, इसमें आपको जो दो वॉल्यूम लगाने हैं, एक 100 की, दोनों मेरे पास 100 की गई हैं, ठीक है। एक 6 तार का है और एक 3 तार का है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम में तार लगा लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा बेस के लिए है, इसमें हम एक बेस और एक वॉल्यूम के लिए, सॉरी हाँ, एक वॉल्यूम के लिए लगाने वाले हैं। तो ये देखिए, बेस के हमने जो बात तार है हमने लगा लिए है वॉल्यूम पर। तो ऐसे ही सेम अब हमें जो हमारा वॉल्यूम के लिए उस पर लगाना है। तो ये देख सकते हैं, इसमें 6 तार हैं। तो 6 पिन है इसमें, आपको एक जो एक दूसरी पिन है ऊपर और जो नीचे वाली, एक दो नंबर की पिन, इनको आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि ये हमें हमारे लिए आगे ग्राउंड के लिए काम करेगी। ये देखिए, मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। तो तीनों तारों को आपको लगाना है, किस प्रकार लगाना है, एक आपको ग्राउंड पर कनेक्ट करना है, एक आपको ऊपर और इसकी दूसरी तीसरी और चौथी नंबर पिन पर लगाना है, और जो हमने 2 तार कनेक्ट किए हैं उसमें ग्राउंड के लिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और ये आपको ग्राउंड में लगाना है इस प्रकार से। अब जो हमारी 2 शेष पिन बची, इनको हम ऑडियो के लिए लगाएंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये देखिए, अब मैं कनेक्ट कर लिए वॉल्यूम और बेस। अब हमें इनको बोर्ड में कनेक्ट करना है। तो जो बेस का वायर है, इनको आपको सीधे, बिल्कुल सीधे इसमें लगा देने पिन, जो आपको इधर इस साइड की जो दिखाई दे रही है आपको, जो लेफ्ट साइड की यहाँ पर। चलिए मैं सोल्डरिंग करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, सीधे सीधे आपको लगा देनी है वॉल्यूम पर, जो हमारे बोर्ड पर तार लगे हैं इस प्रकार से। और सेम अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो वॉल्यूम के वायर है, तो इनके लिए हमें सीधे जो हमारा जो बीच में इसमें ग्राउंड वायर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं 2 तार। तो इस पर आपको ग्राउंड लगाना है, और उधर जो शेष बची 2 बालन की पिन है, उन पर आपको लेफ्ट वॉल्यूम और राइट वॉल्यूम पर लगाना है। तो इस प्रकार से आप इन्हें लगा सकते हो, ये दे सकती है। तो ये मेरे पास कार्ड है म्यूजिक प्लेयर का, इसमें आप दे सकते हैं। ये आपके ऑडियो की तार है, लेफ्ट चैनल, सॉरी लेफ्ट ऑडियो और राइट ऑडियो और बीच का ग्राउंड के लिए, ये वाला ग्राउंड है आपका। तो जो हमारा वॉल्यूम का, तो आपको यहाँ पर देखिए, ये ग्राउंड पर लगा लिया है आपने, और जो हमारी 2 शेष पिन बची थी उनको आपको लगा देने हैं ऊपर और नीचे इस म्यूजिक प्लेयर के तार को ऑडियो के लिए। यही हमारा इनपुट है, और जो 2 तार लगाए यही हमारे आउटपुट के लिए निकाले गए हैं इसी से। इसे आप अगर 6 पिन वाले आपके तार नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। इस प्रकार से देखिए, एक तार कनेक्ट हो चुका, हमारा एक तार और बचा है, इसको भी हमें ऊपर लगा लेना है इसके पिन पर। ये देखिए इस प्रकार से। तो आप ये देख सकते हैं, हमारा ये जो जो वॉल्यूम का सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमें ऐसे कार्ड को सप्लाई देने के लिए 5 वोल्टेज चाहिए, क्योंकि ये 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है, और जो बोर्ड है हमारा वो 12 वोल्ट से ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसमें 7805 IC लगी होती है इस बोर्ड में, ये देखिए ये वाली। तो इसकी तार आप लगा लीजिए यहाँ पर,
तो ये देखिए अब हमारा ये करेक्शन है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ हमें इसमें सप्लाई के लिए और सब वूफर के लिए और लेफ्ट स्पीकर और राइट स्पीकर के लिए ला रहे हैं। तो ये आपके लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए ये वाली तार ये देगी, ठीक है। और ये आपके सब वूफर के लिए, ये आपके दो तार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ये वाले, ठीक है। एक आपका ग्राउंड से है और एक आपका डार्ट बोर्ड से है, ठीक है। तो ये आपके सब वूफर के लिए। तो ये देखिए मेरे पास स्पीकर, स्पीकर के तार लगाता हूँ मैं, यानी कि सब वूफर में। तो ये लग चुके हैं हमारे सब ऊपर के। तो अब हमें एक स्पीकर लगा लेते हैं इसमें, दो स्पीकर आपको लगाने हैं वैसे एक्चुअली साउंड के लिए। तो इसमें मैं एक राइट स्पीकर लगा लेता हूँ सिर्फ, जो मैंने आपको बताए थे यहाँ पर। ये देखिए ये आपका लेफ्ट और ये आपका ग्राउंड। तो इसकी जो करेक्शन है वो मैंने कर ली है। अब क्या इसमें सप्लाई देते हैं, तो ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है 12 12 012 का, 2 एम्पियर का, ठीक है। तो ये सप्लाई के वायर है वो जस्ट सबवूफर के नीचे लगे हुए हैं, जस्ट नीचे जो आपको तीन तार दिखाई दे रहे होंगे ये वाले। तो चलिए वो भी मैं लगा लेता हूँ। तो ये देखिए स्पीकर जो तार है वो मैंने लगा ली है आसानी से। अब क्या करना है, अब सिर्फ हमें इसमें करंट देना है और इसमें ऑडियो इनपुट देना है, ठीक है, और हमारा जो सिस्टम है वो चालू हो जाएगा।